हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इस तरह के धोती बनाया हुआ है हमने कृष्ण जी के लिए। ये हमारी लॉक वाली धोती है। ये इधर से इस तरह से इसका लुक आएगा और ये आगे में जब बनाएंगे तो ये सामने फ्रंट से आ जाएगा और बैक साइड से इस तरह से हमने भी इसको लॉक किया हुआ है और यहाँ पर वेलक्रो लगा दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हमारा ये धोती लॉक है। ये यहाँ से हमारा धोती लॉक है। जब पहनाएंगे इसको तो ये देखिए, यहाँ से एक पैर आएगा और एक पैर आपका ये गोपाल जी का इधर से आपका आ जाएगा। ये आप अंदर से इसको क्लियर देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, ये आपको दिख रही है। तो इस तरह से और पहनाने के बाद में ये कमर पर यहाँ पर आप लॉक कर देंगे। ये 5 नंबर के गोपाल जी के लिए हमने बनाया है। ये 4 नंबर में भी आप डाल सकते हैं। 4 नंबर में थोड़ी सी लंबाई बढ़ी आएगी और कमर तो ठीक आ जाएगा। और बिना हमने चोली की ये ड्रेस बनाया हुआ है, साथ में हमने ये पटका बनाया हुआ है। इस तरह से कंधे पर डालेंगे और डालने के बाद में इस तरह से आपका ये आगे में आ जाएगा। तो इसमें हमने कोई भी बुकरम वगैरह यूज नहीं किया हुआ है और कोई भी अस्तर वगैरह भी हमने नहीं लगाया हुआ है। हमने सिंपल इसको कॉटन के कपड़ा से बनाया हुआ है। ये हमारा कॉटन था और कपड़ा थोड़ा पतला था तो इसीलिए हमने इसको डबल कर दिया है। और बाकी पहनाने पर भी सुंदर लगेगा और उनके लिए पहनाने में आरामदायक भी रहेगा गर्मी के दिन में। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि कैसे बनेगी हमारी ये ड्रेस। इसको बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये हमारा प्योर कॉटन है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। इसकी 8 इंच एक साइड से है और इधर के साइड से भी हमारा ये 8 इंच ही है, यानी स्क्वायर शेप में हमने इस कपड़े को लिया है। इसके बाद इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके बाद एक बार और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस कपड़े को हमने 4 तह कर दिया है। 4 तह करने के बाद में इसको थोड़ा सा मैं आपको मेज़र करके बता रही हूँ। इसको लगभग 1 इंच इधर से, ये जो हमारा खुला साइड है इधर से, और इधर भी हमारा जो खुला साइड है लगभग 1 इंच इधर से करने के बाद में इसको हम यहाँ से गोल बोले मार्क लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस जो गोल यहाँ पे मार्क लगाए हैं इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में ये वाला जो बीच में लाइन दिख रहा है, इसी लाइन को हम इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे दोनों पैरों के लिए। इस तरह से हमने इसको कट करके साइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों को हमने कट करके अलग अलग पीस कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं इधर तो हमारा फोल्डेड साइड है, इधर नहीं, जिधर के साइड में हमारा ये खुला है इधर एक साइड में हम दोनों साइड को सिलाई कर लेंगे। तो अलग अलग सिलाई करेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं पहले इसको। इसको सिलने के बाद में इसको इस तरह से हम पलट के सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों को सिल करके और पलट करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भी चाहते हैं वैसा लेस लगा सकते हैं। तो हम इस पर इस तरह का लेस लगाएंगे। तो ये जो हमारा किनारी है इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे लगाना। इस तरह से लगाएंगे और लगाते हुए यहाँ से इस तरह से रखने के बाद में ये यहाँ तक लगाएंगे। तो चलिए पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं लगा के। हमने दोनों पर लेस लगा करके कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही प्यारा सुंदर हमारा ये लेस भी लग गया है। अब हमें क्या करना है कि इस पर लेस के बगल से यहाँ से इस तरह से हमें प्लेट देना है। खूब घना भी नहीं देंगे और खूब पतला भी नहीं देंगे, मीडियम साइज में आपको प्लेट देना है। 1 और 2 और ये हमारा 3 प्लेट इस तरह से आएगा।
और तीन प्लेट ठीक इसके उल्टा हमें देना है। ये इस तरह से देंगे, इस तरह इधर से तीन देंगे, एक दो और ये हमारा तीसरा। इसी तरह से प्लेट देना है। अगर तीन बैठे तो तीन देंगे, तीन नहीं बैठे तो दो दो बैठे तब दो दे सकते हैं, लेकिन प्लेट को हमें उल्टे साइड में देना है। तो चलिए दे रहे हैं प्लेट और बता रहे हैं आपको कि इसको किस तरह से हमें देना है। ये तीन प्लेट हमारा इधर के साइड से बैठ गया है और जो बाकी का प्लेट है हम इधर के साइड से बैठाएंगे। ये इस तरह से क्लियर दिख रहा है, तो इधर के साइड से हमारा दो ही प्लेट बैठ रहा है, तो हम दो ही प्लेट को बैठाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा ये प्लेट बैठा है। तो इसी तरह से हम दूसरे प्लेट को भी तैयार कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आपको बताएंगे। इस तरह दोनों परत को हमने सील करके कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर से इसका प्लेट बैठा हुआ है, और सेम प्लेट इसका भी हमने इसी तरह से बैठाया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको इसके ऊपर रख करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग मैं आपको नाप के बता रही हूँ कि कितना पड़ेगा आपका, लगभग 1.5 इंच है, इसको हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहले इसको सिल लेते हैं हम। इस तरह से इसकी सिलाई करके हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार इसके कमर की चौड़ाई हम नाप लेते हैं कि कितना इसका चौड़ाई आ रहा है। ये 6 इंच हमारी चौड़ाई इसकी आ रही है, 6 इंच से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आ रहा है। तो अब चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, एक सीधी पट्टी हमने कट की हुई है, इस पट्टी को हम इस तरह से पहले डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में थोड़ा सा इधर से हम कपड़ा छोड़ेंगे और थोड़ा सा इधर से छोड़ेंगे, इस तरह से पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलते हैं पहले इसको, पहले इसकी सिलाई लगाएंगे हम। तो सिलाई हम ये उल्टा साइड से इसको इस तरह से पट्टी को थोड़ा सा हम बढ़ा के रखेंगे और इसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इधर, तो इधर से हम कट करके इसको निकाल देंगे और इधर से भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है। इस तरह से हमने इसको सिलाई कर दिया है। अब इसके बाद हमें ये हमारी किनारी वाली पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो हल्का हल्का हम दोनों साइड से इसको कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि इस तरह का पतला हम रबड़ लिए हैं, ये हमारी पूरी लगभग 6 इंच है, तो 5 इंच का हम रबड़ लेंगे। ये देखिए ये 5 इंच का हमने कोई भी इसमें खींचा खींची नहीं किया है, 5 इंच का हमने रबड़ लिया है। अब इस रबड़ को यहाँ से इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने रबड़ पर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा ना ही ज़्यादा टाइट है और ना ही हमारा ये लूज है। अब इस तरह से यहाँ से इस तरह इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद इस पर अब हम जैसे रबड़ को खींच करके सिलाई लगाया था, वैसे ही यहाँ कमर पर भी हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर खाली कपड़े पर ही हमें सिलाई लगाना है। ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ी सी मैं भूल गई थी कि इसमें क्या करना है कि अब हमें इसी में का एक पीस को कट करना है, और पीस को कट करने के बाद में इस पीस को हमने
डबल किया इस तरह से, और इसकी लंबाई हमने रखी है 4 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 2.25 इंच रखी है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले अच्छे से सेट करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो हम यहाँ से इसको कट करके निकाल दे रहे हैं। कट करने के बाद में इस तरह का हमारा लुक आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है कि इस पर हमें सिलाई लगाना है। जिधर से हमारा ये फोल्डेड साइड था उधर से हम इसको कट कर देंगे। इसकी सिलाई इस तरह से लगाएंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे, पहले फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, इसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक साइड हो गया, एक साइड हमारा ये हो गया। अब इस पर हम यही वाला लेस यूज करेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से हम यूज करेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई होकर के ये कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा उल्टा साइड है, उल्टा साइड से भी हमारा कहीं खुलने का डर नहीं है, और ये हमारा सीधा साइड है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हमें अटैच करना है इसके साथ में। ये देखिए, अब इसकी हम सिलाई इस तरह से करके शुरू करेंगे। जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाया था ठीक वहीं पर हमें इसको अटैच करना है। अब इसमें एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारी खुली धोती हो गई है। अब इसको लॉक वाली धोती बनाना है तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से आप उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में ये धोती को, ये वाला जो पहले वाला सिलाई यहाँ पर हमने बताया है, यहाँ तक आप इसको नापते हुए ले आएंगे, और यहीं तक इसको भी आप नापेंगे। ये देखिए, दोनों बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसको एक साथ आपको ये लॉक करना है, तब जब पहनाएंगे आप तो ये आपका अंदर में ये दोनों पैर अलग अलग हो जाएगा, और ये अंदर में निकर का काम आएगा ताकि दोनों पैर आपका ये पूरा ओपन ना हो पहनाने के बाद में। तो यहाँ पर हमें एक टाका लगाना है यहाँ से इसके साथ में, इसको और इसको और ये वाला इसको, चारों तह का नापते हुए एक साथ टाका लगाना है, और इसको हमें खुला छोड़ देना है, और वेलक्रो लगा करके इस तरह से आप चिपका देंगे। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो इसकी सिलाई कैसे लगाएंगे कि ये पटका को इस तरह से उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद में इसको इस तरह से करेंगे, और ये हम देख लेंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से, इस यहीं पर इसको हम एक तह इसको रखेंगे और एक तह इसको रखेंगे, और रखने के बाद में हल्का सा हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखते हैं कि हमारी सिलाई कैसी हुई है। ये देखिए, ये आपको अंदर से दिख रहा है,
ये देखिए पैर हमारा इधर से आ जाएगा और एक पैर हमारा ये इधर से आ जाएगा गोपाल जी का, और इधर हमारा ये खुला है। अब यहाँ पर हम वेलक्रो लगा करके इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आप, पहनाने के बाद में ये बिल्कुल भी जो नीचे का पार्ट है उनका नहीं दिखेगा। तो चलिए वेलक्रो लगा लेते हैं। पहले इस तरह से हमने यहाँ पर वेलक्रो लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है, और इस तरह से हमारा ये उनका धोती बनके तैयार है। इस तरह से प्यारी सी धोती बन करके हमारी कंप्लीट है। अब हम पटका बनाएंगे। तो पटका बनाने के लिए यही वाला कपड़ा हमने यूज किया है। तो इस कपड़ा को, कपड़ा हमारा पतला है इसलिए थोड़ा सा मोटा होने के लिए हमने इसको ज़्यादा इसकी चौड़ाई ली हुई है। ये लगभग 8.25 इंच है। तो पहले इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक फोल्ड इसको अभी और हम करेंगे। इस तरह से एक फोल्ड हमने इसको और कर दिया। करने के बाद में इसको अब इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इस पर हम मार्क लगाएंगे। कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से हमें कट करना है, इस शेप में हमें कट करना है। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम इस तरह से खोल देंगे। खुलने के बाद इसका इस तरह से हमारा लुक आएगा। अब इसकी पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो इसका एक साइड का यहाँ का हम सिलाई छोड़ देंगे, यहाँ से इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसको इस तरह से हमने सिलाई कर दिया है। अब यहाँ का पार्ट हमने खुला छोड़ा है, इसको हम धीरे धीरे पलट लेंगे। हमने इसको पलट करके सीधा कर दिया, और पलटने के बाद में इसका इस तरह से लुक आएगा। अब ये जो किनारी हमने छोड़ा है इसको हम थोड़ा सा इधर के साइड से फोल्ड करेंगे, और थोड़ा सा इधर के साइड से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में दोनों साइड से इसको हम थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, इधर से भी मोड़ेंगे और इधर से भी मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद में इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलते हैं पहले इसको। यहाँ तक हमने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यही वाला लैस है, इसी वाले लैस को हम इसके किनारी किनारी इसी शेप में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमने इसको तिरछा लगाया है इसी तरह से लगाएंगे। तो चलिए सिल लेते हैं पहले इसको भी। पाँच नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने ये पटका और ये धोती साथ में बनाया हुआ है। ये इस तरह से धोती पहना देंगे। पहनाने के बाद में ये इस तरह से पटका लेंगे, तो ये आपका इस तरह से इनका लुक आ जाएगा पोशाक का। ये हमारा गर्दन पर आएगा, गर्दन पर से करते हुए नीचे की तरफ आप ले आएंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा पटका हमने नहीं बनाया हुआ है, साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि उनका बॉडी कवर हो जाए, ऊपर का बदन जो है वो कवर हो जाएगा। ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।